वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड शीतल। सो आज मैं करने वाली हूँ ये वाला हल्दी लुक क्रिएट। एंड इसको मैंने जस्ट 5 से 10 मिनट में कराया है और बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी कराया है, तो क्योंकि मेरे को जाना भी था इस वजह से घर वाले चिल्ला रहे थे। तो जल्दी से मैं आप लोगों को ये करके दिखाती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप चेकआउट करना कि कैसा लग रहा है, प्लीज कमेंट में भी बताना अगर आप लोगों को अच्छा लग स्टार्ट रहा है। तो करते हैं। पहला हल्दी लुक खुद कर रही हूँ विदाउट एनी हेल्प, बिकॉज आई लव टू डूइंग मेकअप। और मुझे लगता है मेकअप ना बहुत इजी थिंग है, कोई भी कर सकता है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। कोई भी कर सकता है, इतना बड़ा तोफ नहीं है मेकअप में, लाइक कोई कर नहीं पाया, बहुत इजी होता है। आप लोग भी कर पाओगे बहुत इजीली। मैंने ये क्रिएट कर लिया एंड चलो मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो को, लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइज, ये बिफोर मेकअप है जहाँ मैंने ऑलरेडी फेस वॉश कर रखा है एंड टोनिंग भी कर रखी है। तो अब मैं अप्लाई करूंगी मॉइस्चराइजर। फिर भी मैं ना जब भी मेकअप करती हूँ उससे पहले वेट वाइप से अच्छे से जितना भी अगर मतलब नॉर्मल डस्ट वगैरह लग रहा है वो निकल जाए। देन मैंने ये अप्लाई करा है पॉन्ड्स का, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आता है, सिर्फ 100 रुपीज़ का ये फेस क्रीम है, मॉइस्चराइजर है एंड काफ़ी अमेजिंग है। लिटरली इसकी कंसिस्टेंसी एंड ऑल बहुत मस्त है। ये है इनसाइड कॉस्मेटिक का प्राइमर, ये भी 100 रुपये का है, बहुत छोटू सा क्यूट सा प्राइमर है। एंड क्योंकि मैंने 100 रुपीज़ वाली एक हॉल बनाया है मेकअप का जिसमें हर एक प्रोडक्ट 100 रुपये का है, तो मैंने अभी वो लिया था जिसमें से मैंने ये सारे प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। एंड गाइज, ये आप देख रहे हैं, ये भी मैंने 382 में आईब्रो पेंसिल, काजल, आईलाइनर एंड मस्कारा, ये तीन चार चीज़ ली थी। ये ब्लू हेवन का आईब्रो पेंसिल है ब्राउन कलर में, एंड मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा मतलब वो होती है ना भरी भरी जो होती है एकदम, वैसी आईब्रोज नहीं पसंद मेरे को, एकदम नेचुरल आईब्रोज पसंद है, तो ये काफ़ी मस्त है उसके लिए। एंड इसके बाद मैंने अपनी आईब्रो क्लीनिंग के लिए कंसीलर अप्लाई करा और साथ में अपनी आई लिड पर भी अप्लाई करा था, क्योंकि मेरे को एकदम अपनी आईज को अच्छा, जो पिगमेंटेशन होता है जब आई शेडो लगाते हैं काफ़ी अच्छा आता है उससे, क्योंकि जो पिगमेंटेड एरिया होता है का वो कंसील हो जाता है इस वजह से। तो मैंने कंसीलर लगाया, अच्छे से अप्लाई करा और मैं यूज़ कर रही थी पर्पल का कंसीलर, स्टिक फॉर्म में आता है, मेरे को स्टिक फॉर्म के कंसीलर काफ़ी मस्त लगते हैं क्योंकि इजी टू अप्लाई होते हैं, दैट्स वाई। इसके बाद मैंने ना जो कंसीलर अप्लाई करा था उस पर हल्का हल्का पाउडर लगा दिया सेट होने के लिए, काफ़ी सेट हो जाएगा, देन हम लोग आई शेडो लगाएंगे। एंड अच्छे से पाउडर लगा के, अब पाउडर मैंने ये लैक्मे का ही लगाया है जो मेरे पास सभी अवेलेबल था। एंड आई शेडो करने से पहले मैं हमेशा ये टेप अप्लाई कर लेती हूँ, ये नॉर्मल टेप है, कुछ वैसा नहीं है। अप्लाई करके ये कलर बोर्ड की आई शेडो पैलेट, आई गेस आप लोग के पास भी होगी, क्योंकि ये वाली पैलेट ना हर एक मेकअप आर्टिस्ट या हर एक वो इंसान जिसको मेकअप करना पसंद है उसके पास मिलेगी, क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबल है एंड काफ़ी अच्छा काम करती है। लुक एट द पिगमेंटेशन, इट्स अमेजिंग, लिटरली बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। सबसे पहले मैंने येलो कलर लगाया आई शेडो में, देन हल्का ऑरेंज, देन पिंक एंड देन पर्पल, उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया, मतलब लाइट टू डार्क में गई। एंड जो ये सिमर लगाया है ये भी येलो कलर का है, काफ़ी मस्त है, इसी आई शेडो पैलेट का है एंड इसका वर्क ना लाइक वाओ, आई लव इट। देन इसके बाद मैंने बेस करा, बेस में मैंने फाउंडेशन लगाया है फिटमी का, एंड फिटमी का फाउंडेशन मेरा फेवरेट है। अगर आप मेरे स्किन टोन के हो तो आप ये 310 वाला फाउंडेशन ले सकते हो, इसका शेड है 310 एंड इट्स अमेजिंग फॉर माई स्किन टोन गर्ल एंड बहुत अच्छा वर्क करता है। लुक एट द कवरेज, अच्छी खासी मतलब शेयर कवरेज है, ऐसी नहीं है, अगर आप ज़्यादा लोगे तो वही होगा, ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा एरिया को कवर करेगा। एंड मैंने थोड़ा थोड़ा और लगा लिया क्योंकि मेरे को ना फोटोज़ वगैरह अच्छी चाहिए होती हैं काफ़ी, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लगाया है। अगर आपको एकदम नॉर्मल लुक रखना है तो थोड़ा फाउंडेशन कम लगाना काफ़ी सही रहेगा, लेकिन मेरे को ना फोटोज़ अच्छी लेनी होती है इस वजह से मेरे को मैंने लगा लिया। देन मैंने अंडर आई पे ये कंसीलर लगाया क्योंकि मेरा
ना काफी डार्क सर्कल है अंडर आई के, तो मेरे को वो हाइड करना था कैसे भी करके। देन उसे लगा के मैंने अच्छे से ब्लेंड करा सेम ब्यूटी ब्लेंडर से। उसे ब्लेंड करने के बाद मेरे जितने भी पिगमेंटेड एरिया होगा उस पर मैं हल्का हल्का कंसीलर लगा लूंगी, देन उसे ब्लेंड करूंगी। कंसीलर में मैंने सेम कंसीलर यूज कर रही हूँ, पर्पल का, जो मैंने आईलेट पे करा था। एंड काफी अमेजिंग वर्क करता है गाइस। एंड इतना नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है, कॉस्टली भी नहीं है, काफी सही है। एंड ये वाला ब्लश, ओ माय गॉड, ये इनसाइड कॉस्मेटिक का है। आई थिंक ये सिर्फ 72 रुपीज का या 75 रुपीज का है गाइस। एंड ये इतना अमेजिंग वर्क करता है, लाइक बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्लश लगेगा आपका, ऐसा ना बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगेगा, काफ़ी नेचुरल लगेगा। एंड आपको एक और बात बता रही हूँ, ये भी अंडर 100 वाले उसमें हॉल का है, तो आप वो वाला हॉल भी चेकआउट कर सकते हो, मैं उसका लिंक वगैरह शेयर कर दूंगी। एंड इसके बाद मैंने करा ब्रॉन्जर, ब्रॉन्जर के लिए मैंने यूज़ करा है एंड बाय वे का ब्रॉन्जर, एंड ये बहुत ज़्यादा सही लगता है मेरे को। इसका नोज़ को कॉन्टोर करा अच्छे से, सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लिया। तो मैंने ना सबसे पहले क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट लगाया है, लाइक आप लोगों ने देखा होगा ब्लश भी मैंने क्रीम बेस्ड लगाया, ब्रॉन्जर भी लगाया। तो इसके बाद मैं ना सारा प्रोडक्ट जो लगाऊंगी वो पाउडर बेस्ड लगाऊंगी कि वो अच्छे से बैठ जाए, देन उसके बाद पाउडर बेस्ड लगेगा। एंड ये मैंने अपने माउथ के अराउंड में थोड़ा सा कंसीलर लगा लिया कि भाई जितना भी डार्क एरिया है वो हाइड हो जाए, अच्छे से लगा के देन मैं उसको ना अच्छे से पाउडर से सेट कर दूंगी ब्लेंड करने के बाद। ब्लेंड मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर से कर रही हूँ, क्योंकि मतलब हर एक चीज़ के लिए डिफरेंट ब्यूटी ब्लेंडर तो नहीं लेंगे। देन ये मैं बेकिंग कर रही हूँ अंडर आई पे एंड अपना जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया था ज़्यादा ज़्यादा वहाँ पे, बाकी एरिया पे मैं ना थोड़ा थोड़ा पाउडर से सेट कर दूंगी। और ये पाउडर ना आई थिंक इनसाइड कॉस्मेटिक का ही है, ये आया था 176 रुपीज़ का, नहीं 126 रुपीज़ का, एंड ये भी काफ़ी मस्त पाउडर है आई गेस। और सबसे ज़्यादा मेरे को इसकी पैकेजिंग में थोड़ी कमी लगी, बाकी मेरे को सब कुछ मस्त लगा इसका भी। एंड जितना भी पाउडर लगाया था उसे अच्छे से मैं वाइप ऑफ कर दूंगी, अच्छे से हटा दूंगी ब्रश की हेल्प से, जैसे ही वो हट जाएगा देन हम पाउडर बेस्ड चीज़ें लगाएंगे। जैसे ये है ब्लश लगा रही हूँ मैं, पाउडर बेस्ड है, एंड ये स्विस ब्यूटी का ब्लश है, इतना अमेजिंग पैलेट है ना, ये मेरी पहली पैलेट थी, अभी तक चल रही है। एंड इसके बाद मैं करूँगी कॉन्टोर, ब्रश को मैंने ऐसे पकड़ लिया एंड डायरेक्ट ऐसे अपने जॉ लाइन पे और चिक बोन के नीचे अच्छे से कॉन्टोर करूँगी। एंड ये है ना काफ़ी सही ट्रिक है, आई थिंक इजी है, कोई भी कर सकता है, बहुत ज़्यादा मस्त है। एंड आई लव दिस, कभी भी मेकअप करते हैं ना तो तुरंत आप लोग कहते हैं मेकअप तो कर दिया लेकिन ग्लो नहीं आया, तो वो इसलिए नहीं आता कि मेकअप जब अपनी स्किन पर बैठ जाता है, जो स्किन की ऑयल होता है जो सिक्रेट होता है, तो वो उसके स्किन के साथ ऑक्सीडाइज होकर तभी तो ग्लो देता है, एकदम ग्लो नहीं आता। देन ये इनसाइड कॉस्मेटिक का ना मैंने लगाया मेकअप फिक्सर, सो ये मैं दो लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ एंड ये है स्विस ब्यूटी की दोनों लिपस्टिक। पहली वाली है शायद बेरी ब्लास्ट एंड बहुत ज़्यादा अमेजिंग कलर है, आप सिंगल सिंगल भी वियर कर सकते हो, लेकिन मेरे को ना थोड़ा ज़्यादा रेड टाइप का अच्छा नहीं लगता, इसमें थोड़ा न्यूड कलर कर दे, न्यूडिस पिंक टाइप के कलर ज़्यादा पसंद है मेरे को। देन मैंने ये लिपस्टिक अप्लाई कर ली, लुक एट द कलर, कलर बहुत ज़्यादा बॉम है, आप लोग भी ले सकते हो, बहुत ज़्यादा मस्त है एंड काफ़ी अच्छा मस्त कलर है। इसके ऊपर मैंने जो न्यूड लिपस्टिक के बाद वाला जो कलर आता है ना, जो मैंने ये वाली लगाई न्यूड लिपस्टिक, ये भी स्विस ब्यूटी की है। ये दोनों लिपस्टिक आपको 150-160 में पड़ जाएगी पर लिपस्टिक, एंड ये अमेजोन पे अवेलेबल है, आप लोग चेकआउट भी कर सकते हो। लिंक वगैरह मैं सबका प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, एंड नहीं करा तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको पर्सनली भी दे दूंगी। एंड ये है फाइनल लुक, आई होप अच्छा लगा होगा, लेकिन उससे पहले चलो ज्वेलरी पहन दिस इज लेते माई हैं टेंपल। फाइनल लुक गाइज, आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है। एंड इसके अलावा ना आप मुझे कॉमेंट ये भी कर सकते हैं कि आपको इस टाइप की वीडियो चाहिए या इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो लेके आ जाऊंगी। एंड इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात, मैं ना इंस्टाग्राम पे
मैं यूट्यूब से ज्यादा एक्टिव रहती हूँ, तो आप ना मेरे इंस्टाग्राम को चेकआउट कर सकते हैं। आईडी बहुत ज्यादा सिंपल है, शीतल सिंह _16 आईडी है, आप जाइए एंड चेकआउट करिए। वहां पे है ना, आप मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड हो जाइएगा, वहां पे हम लोग चिट चैट भी करते हैं, बातें भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं, तो आप लोग वहां पे भी ऐड कर सकते हैं मुझे। इसके अलावा ना आप लोग जरूर बताना कैसा लग रहा है लोग, क्योंकि काफी टाइम गया है इसे करने में। एंड चेकआउट कर सकते हो ये वाला मेरा जो ब्राइडल सीरीज है, वो चेकआउट कर लीजिएगा। इस टाइप की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज चेकआउट दिस वीडियो। एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक बाय बाय, टाटा, सी यू।